एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एशियन हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है इंडियाज कल्चरल कॉन्टैक्ट्स विद द एशियन कंट्रीज। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोका प्रमोटेड इंडियाज कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका बर्मा चाइना एंड द सेंट्रल एशिया। जो अशोका ने जो है जब बुद्धिज्म को प्रपोगेट करा तो हमारे इंडिया के जो कॉन्टैक्ट थे वो श्रीलंका बर्मा और चाइना और सेंट्रल एशिया से काफ़ी बढ़ने लगे। द बर्मीज डेवलप्ड द थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। बर्मा ने एक नया बुद्धिज्म डेवलप करा जिसका नाम था थेरावादा एंड इलेक्ट करे काफ़ी सारे टेम्पल्स इन ऑनर ऑफ बुद्धा। कई सारे टेम्पल उन्होंने बनवाए। रेन जब कनिष्का की रेन चल रही थी तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन मिशनरी जो थी वो चाइना में गई, सेंट्रल एशिया में गई, अफगानिस्तान में गई ताकि वो इस रिलीजन को रीच कर सके। वहाँ पे चाइनीज प्रीलिम जैसे कि फा हेंग और स्विंग सांग इंडिया में आए और इंडिया के लोगों ने मतलब इंडियंस ने आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क सीखी चाइना से और चाइनीज ने फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ बुद्धिस्ट पेंटिंग सीखी इंडिया से। कुछ दो जो ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म हैं वो एशियन टाइम्स के, वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भी हैं। इंडियन कल्चर जो है, जो इंडियन कल्चर था वो स्प्रेड हुआ साउथ ईस्ट एशिया में बट नॉट थ्रू द मीडियम ऑफ बुद्धिज्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ बर्मा। द नेम ऑफ सुवर्ण भूमि वॉज गिवन टू पेगू एंड माउल मेन इन बर्मा एंड मर्चेंट्स फ्रॉम ब्रोज बनारस एंड भगलपुर ट्रेडेड विद बर्मा। From the 1st century AD, India established relation with Java island of Indonesia, which was called as Swarnadweep or the island of gold. 1st century AD से क्या होने लगा कि इंडिया ने जो है वो जावा आइलैंड से अपना ट्रेड करना शुरू करा और जिसे कि स्वर्ण द्वीप कहते हैं, जैसे कि आइलैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। देर आर अनदर किंगडम नेम चंपा एंड हिज किंग वॉज ऑल्सो वॉज शैवा एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चंपा वॉज संस्कृत। जो टेम्पल है अंकोट का कंपुजा में इज लार्जर देन दैट ऑफ बोरोबुदुर। द इंडोनेशियन लैंग्वेज कॉल्ड भाषा इंडोनेशिया कंटेन न्यूमेरियस संस्कृत टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।